आपने मंदिर की बात की, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि पांडवों ने 5 मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 मांगे हैं। फिर वो कह रहा हूँ जो बयान यूपी के मुख्यमंत्री जी का आया है या बाकी लोग देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अखबार में छपने के लिए देते हैं, उससे आम लोगों के जीवन को बेहतर करने का कोई उनकी मंशा मुझे दिखती नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंडिया अलायंस है वो मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये चुनाव हो इश्यूज़ पर लड़ा जाए, पब्लिक को जो रोज़मर्रा की दिक्कत आती है, नौजवानों को जो आज तकलीफ हो रही है उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसका आपके पास क्या रोड मैप है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो ना करके ये वो यूपी के मुख्यमंत्री और बाकी लोग ऐसे भाषण देते हैं ताकि ये अखबार में छपते रहें दिन भर। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो नई सरकार बनी है, अभी सरकार बने बहुत कम समय हुआ है, उनको तो अपनी डिलीवरी पर फोकस करना चाहिए। जो विधानसभा में वादे किए हैं चुनाव लड़ने से पहले, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन मोड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार के खामियां निकालकर आरोप देकर, और मैं देखता हूँ जो विधानसभा चर्चा होती है, सरकारी पक्ष का जो भाषण आता है वो हमेशा आलोचना, आरोप लगाना, कमियां निकालना, एक नकारात्मक सोच से काम हो रहा है। अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो लोग उनसे कुछ उम्मीद जगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, वहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा कल से चालू होगी, बहुत उत्साह लोगों के अंदर है। हमारी पार्टी में जिनको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को बखूबी निभा रहे हैं, हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है। और राजस्थान में भी मैं समझता हूँ हमारी अच्छी तैयारी है, अभी दौरे सब नेता कर रहे हैं लगातार, और अच्छा परफॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी राजस्थान में, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए सर, विधानसभा क्षेत्र के लिए रेल का मुद्दा और राजस्थान के लिए, ये दो चीज़ें थी, इसको लेके क्या अभी केंद्र सरकार ने बहुत लंबे अंतराल के बाद अब जाके 100 करोड़ रुपये सैंक्शन करने की बात करी है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं लगातार रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, प्रदेश सरकार से आग्रह करता रहा कि एक प्रोजेक्ट आवंटित हो चुका था 10 साल पहले, ये प्लानिंग कमीशन से, वित्त मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से, कैबिनेट से अप्रूवल होके, रेल मंत्री की पिंक बुक जो होती है फाइनल स्टेज, उसमें अप्रूव होके ये सैंक्शन हो चुका था। इस प्रोजेक्ट को रोका गया, यह रुका रहा 10 साल तक, अब जाके उसमें पैसा दिया है। मैंने फिर आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी भी किया है कि इसमें राज्य सरकार भी अपना योगदान दे ताकि ये इतनी पुरानी महत्वपूर्ण परियोजना और ये जिला हमारा जो बहुत दशकों से पुरानी मांग है, ये रेल से जुड़ जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए। और हम लोग इसको राजनीति से परे हटकर जनता की भलाई के लिए इसमें इस राज्य सरकार को भी आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका मैं स्वागत, जैसे मैंने कहा, स्वागत करता हूँ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये प्रोजेक्ट 900 करोड़ रुपए का है, इसमें केंद्र सरकार को भी अपना और पैसा देना चाहिए बजट में। ERCP के बारे में जो चर्चा हुई है, क्योंकि जो MOU साइन किया सरकार ने वो पब्लिक नहीं किया गया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट पूरा हो उसमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और इंडस्ट्री के लिए पानी, ये तीनों पानियों के लिए, पानी के लिए पर्याप्त आवंटन करने की एक प्रावधान रखा गया था, उसमें कटौती ना हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जो साइन किया है MOU, अभी हमको मालूम नहीं उसका एंड में क्या है, मतलब उसमें कितना हमको प्रदेश को मिलेगा, लेकिन प्रदेश के हितों के साथ कहीं समझौता ना हो जाए, मुझे इस बात की चिंता हमेशा रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों की पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने राजनीतिक दोस्ती या मध्यप्रदेश सरकार से सहमति के चक्कर में नुकसान ना हमारा हो जाए, इस बात की मैं चिंता रहती है। देखिए सर, टॉक की बात करते हैं हम, टॉक तो विधानसभा क्षेत्र के ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होने के कारण कई जगह कार्य बंद कर दिए गए। मैंने आज सुबह मीटिंग ली है सभी अधिकारियों के साथ, जो PD खाते हैं, जो पेमेंट्स हैं रुकी हुई थी, और इसका नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ निर्माण कार्य रुके हुए थे, कि मैंने कहा है कि जल्दी पेमेंट कराएं ताकि काम चालू हो सके। मुझे आश्वासित किया प्रशासन ने कि अगले 2-4 दिनों के अंदर सारे निर्माण के काम दोबारा चालू करेंगे।